मैं सबसे पहले आपको सब्जी दिखा देती हूँ जो भी हमें चाहिए। ये है शिमला मिर्च, ये है घिया या लौकी, परमल, कद्दू, और ये है गाजर, बीन्स, अरबी, पत्ता गोभी, और यहाँ ये है मटर, ये है मेथी, और यहाँ हमने बैंगन और आलू को काट के रखा है। इसे हमने पानी भिगो के रखा है ताकि काले ना पड़े। आप चाहे तो आलू का छिलका हटा सकते हैं या ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। या हमने ये 4 से 5 टमाटर लिए हैं जिसे इस तरह से काट लिया है, और हरी मिर्च। आप चाहें तो यहाँ सिंघाड़े ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, पालक है, अपनी पसंद से सब्जी ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमने कुकर लिया है, हम इसे कुकर में बनाएंगे, ये जल्दी बन जाएगी। और ये हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, यहाँ मैंने इसे 5 से 6 बड़े चम्मच दे लिया है, ये हींग, और ये हमने कुछ तेज़पात के पत्ते लिए हैं। ये चीज़ें भुन गई हैं, अब हम इसमें डालेंगे ये हल्दी और ये टमाटर और हरी मिर्च। और अभी इन टमाटरों को 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे, पूरी तरह नहीं करना, हल्का सा सॉफ्ट करना है। देखिए टमाटर हल्के हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हम इसमें काला नमक भी मिलाएंगे। मैंने अभी ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, जो मसाले हैं वो मैं लास्ट में डालूंगी, उस तरीके से आप देखना जो हलवाई वाला टेस्ट आता है। तो ये नमक डाल देती हूँ मैं और मिक्स कर लूँगी। मिक्स तो हमने कर ली है, अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और हम इसमें मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी लगाएंगे। 1 सीटी में ये हो जाती है तो ठीक है, वरना हम इसमें 2 सीटी लगाएंगे। ओवर कुक इसे नहीं करना है। चेक कर लेते हैं, ये देखिए इसमें मैंने 1 ही सीटी लगाई है, ये हमारी सब्जी हो गई है। मैं इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, इसमें थोड़ा दिक्कत आती है दिखाने में। तो हमने कढ़ाई में कर लिया है सब्जी को, अब देख सकते हैं हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, और देखिए इसमें कितना पानी है। तो सबसे पहले हम पानी को थोड़ा सा कम करेंगे, गैस को हम हाई रखेंगे और पानी को इसको थोड़ा सा सूखने देंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा। यहाँ हम एक खड़ा मसाला तैयार करेंगे जिसमें हमारे पास होंगे लौंग 1 छोटा चम्मच और 1 चम्मच ये काली मिर्च। हम इनको दरदरा पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इससे इसका खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा चेंज हो जाता है। तो अब देख सकते हैं पहले से पानी काफ़ी कम हो गया है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे, और जो हम मसाले डालेंगे उससे इस सब्ज़ी का फ्लेवर, टेस्ट, कलर सब चेंज हो जाएगा। तो ये मैं इसमें डालने जा रही हूँ धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक कश्मीरी वाला नहीं है, जो रेगुलर घर में यूज़ करते हैं वो है, क्योंकि हमें इसका रेड कलर नहीं चाहिए। ये काला नमक 1/2 चम्मच, और ये 1/2 चम्मच गरम मसाला, और ये काली मिर्च और लौंग, और ये कसूरी मेथी, इस तरह से रब करके अब मिक्स कर लेते हैं। और अब कर देंगे गैस को मीडियम, अब तक हमने हाई रखा था ताकि इसका पानी जल जाए, अब मीडियम कर देंगे और इसको होने देंगे। ध्यान रखना हमने जिस तरह से मसाले डाले हैं, किसी भी मसाले का कोई भी कच्चेपन का टेस्ट नहीं आएगा। अब इसको होने देंगे तब तक जब तक कि आपको ऊपर तेल दिखने लगेगा। तो यहाँ ये हमारी अन्नकूट की सब्जी बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं किनारों पर तेल आ गया है, और आप इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल है। और अब हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ ये हमारी झटपट अन्नकूट की सब्जी बनकर तैयार है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल है, आप इसका कलर भी देख सकते हैं और टेस्ट में भी ये बिल्कुल हलवाई भंडारे वाली सब्जी जैसी होती है। तो आप भी इसे अपने घर पर इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।